उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। सीएम धामी ने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र का भी दौरा किया। सीएम ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुमाऊं मंडल में हुई भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। जहां जहां पर सड़कें बंद हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर रिस्टोर किया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों को बारिश से नुकसान हुआ है उनको राहत राशि पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। वहीं नुकसान के सर्वे का भी कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ से खटीमा और बनबसा क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है। वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में और अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें, जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें। जहां भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहां संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहां पर कुछ बैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं, उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।